प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड 19 कंट्रोल रूम के संभावित निरीक्षण के मद्देनजर मंडलायुक्त जयंत नलिकल ने शुक्रवार को जनपद के कोविड 19 के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी प्रतिंदर सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान, एसएसपी दिनेश कुमार पी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, उप जिला स्वास्थ्य व सूचना अधिकारी सुनीता पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने आईआईआईसी सेंटर का निरीक्षण कर वहां होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों से वार्ता, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, डेटा फीडिंग आदि के बारे में जानकारी हासिल किया। उन्होंने निर्देश दिया कि अपर जिलाधिकारी नगर प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा अधिक से अधिक कोविड 19 के मरीजों का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाए। इसके अलावा मंडलायुक्त ने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन में लोग पूरी रुचि ले रहे हैं और वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकल ने कहा, यहाँ तो मीटिंग में तो अभी हमने हो रही है डाटा एंट्री, हो रही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोग? बता दें कि कर रहे हैं आप लोग कैरेक्टर आएंगे। कोविड संक्रमण पूरे देश में काफ़ी संक्रमण फैल रहा है और उसी का हम लोग का प्रयास है कि अंतर्विभागीय समन्वय से हम गोरखपुर जनपद में जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये प्रभावी रूप से कार्य करे। और डीआईजी साहब और डीएम साहब की उपस्थिति में आज हम लोग ने देखा है कि कैसे हम पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के लोगों की मदद कर सकें, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उन तक पहुँच सकें, उनकी समस्याओं को समझ सकें, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकते हैं। जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है स्वास्थ्य विभाग की, आरआरटी, वो प्रभावी रूप से जा रही है कि नहीं जा रही है, मेडिसिन किट दे रही है, पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग ले रही है, सारा मदद कर रही है, ये सारी चीज़ें के लिए ये कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोग सभी अधिकारीगण जो हैं बीच बीच में आके हम लोग इसकी भी समीक्षा कर रहे हैं कि ये कैसा कार्य कर रहा है, और आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग अच्छा एक प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। और आपके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहेंगे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम लोगों ने 3-4 महीने पहले गोरखपुर जनपद में यहाँ के जनमानस ने बहुत प्रभावी रूप से खुद किया था, पुलिस को या
हम लोगों को एजेंसीज़ को अच्छा नहीं लगता है कि किसी को ऐसे बोला जाए या फाइन लगाया जाए, तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि ये हमारा उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हमें खुद मास्क लगाना चाहिए और दूरी रखना चाहिए। ये संदेश आपसे अनुरोध करूँगा कि सब तक आप पहुँचाएँ। देखिए निश्चित इस पर पूरा डेटा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ के देखिए हर व्यक्ति में एक ये नेचुरल इंक्लिनेशन होता है कि जब वो समस्या के से सम्मुख होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, तो अपने घर की तरफ जाता है। तो कुछ लोग ज़रूर आएंगे, ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनों का मुंबई से गोरखपुर की ट्रेनें चल रही हैं, तो ये ज़रूर होगा। कुछ भीड़ें ज़्यादा भी दिखी हैं, ये भी हम लोग को रिपोर्ट किया गया, बट रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरफोर्स हम तीनों से टच में हैं और आशा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जितने लोग को हम वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं प्रयास रहेगा वहाँ पर टेस्ट करेंगे, नहीं तो हमारी निगरानी समितियाँ ग्राम अंचल में प्रभावी रूप से हैं और उनको भी हम उन पर निगरानी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट जिनका पॉजिटिव होगा उनको ट्रेस करेंगे और उसके बाद उनको ट्रीट भी करेंगे। सर कंटेनमेंट जोन बनाने की बात हुई थी, कंटेनमेंट जोन के जो भी निर्देश आए हैं, अभी 25 मीटर के निर्देश आए हैं या शहरी क्षेत्रों के जो निर्देश आए हैं उस पर कार्रवाई चल रही है, कुछ कंटेनमेंट जोन बनी भी है और हम आशा करते हैं कि लोग, अब देखिए ये बीमारी ऐसी है कि इसमें सिर्फ बाहर से प्रशासन पुलिस की कार्रवाई से नहीं होगा, लोगों को अनुशासन संयम अपने आप दिखाना होगा। जिसको पॉजिटिव है या लक्षण दिख रहे हैं अपना टेस्ट कराएं और अपने को आइसोलेट करें, आइसोलेशन ही एक प्रभावी इसको बचाने का है यदि आपके और कोई सिम्टम नहीं है। देखिए वैक्सीनेशन आपने देखा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीनेशन हमारे यहाँ चल रही है, मुझे लगता है यदि हम सिर्फ गोरखपुर जनपद की बात करें तो लगभग 2 लाख के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है और वो एक सतत प्रक्रिया चलेगी, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हम डिफरेंट ग्रुप्स को ले रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद भी कुछ लोगों को संक्रमित हुए हैं। हालांकि देखने में ये आया है कि उनका फैटलिटी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम है, उतना वो डेंजरस नहीं है, तो इसलिए ये भी अनुरोध रहेगा कि जिनका जब नंबर जहां पर सेशन साइट है वो आके अपने को वैक्सीनेट भी कराएं और वो लोग करा भी रहे हैं, अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन ये दोनों कार्रवाई एक साथ चलेगी, वैक्सीनेशन की कार्रवाई चलेगी और यहां पर संक्रमण से बचाव के लिए जो पूरा प्रबंधन है वो भी ठीक से कर, उसमें जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर उस पर विचार कर रहे हैं और कप्तान साहब के साथ वार्ता करते हुए जो भी आवश्यक कदम उठाना है जनहित में वो उठाएंगे। धन्यवाद।